की क्या जरूरत है? क्योंकि ये घर मेरे शौहर का है। मुझे गुमनामी की जिंदगी देकर खुद मालिक बन बैठे। आप शायद भूल गए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। कल आपका था, आज मेरा है। घर और मकान में फर्क आप जान गए? इसकी खुशी है मुझे। आप जैसा आदमी जो खुद का घर नहीं बसा सका, वो मेरा घर बसते हुए कैसे देख सकता था? ये रहा चौधरी साहब का बेल ऑर्डर। अली। यस सर। चौधरी साहब को लेके आओ। जी सर। चौधरी साहब चलिए, आपकी जमानत हो गई। थैंक यू इंस्पेक्टर। बाबा आज मुझे लग रहा है कि मैं आपकी शागिर्द हूं, जैसे बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। इतना क्यों इतरा रही हो? ऐसा कौन सा कमाल हो गया? बाबा आज का दिन चौधरी कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि आज उसके घर पे एक आफत गिरी है और उस आफत का नाम है नजमा। क्या? आज नजमा अली यावर की पहली बीवी उसके घर में घुस आई है। किसने रोका नहीं उसे? कानूनन उनका तलाक तो हुआ ही नहीं ना, तो इस नाते वो आज भी अली यावर की बीवी है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब चौधरी के घर से फोन आया था मैं तो वहीं थी। बेचारे चौधरी का चेहरा देखने लायक था और मैंने नजमा के खिलाफ उसे भड़का कर आग में घी का काम किया बाबा। तो अच्छा है, चौधरी बेकार के मसले में उलझा रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे आगे तो सुनिए, जैसे ही चौधरी अपने ऑफिस से निकला मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जैसे ही उसके घर पे पहुंची, चौधरी के हाथ में पिस्टल थी और चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मैंने उनके फैमिली एडवोकेट को फोन किया, जिसने पुलिस स्टेशन जाकर बेल पर उन्हें छुड़वा लिया। रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? भाई हमारा काम तो सिर्फ साइन करना है, बाकी लुकआउट तो हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। सर आप मुझसे बड़े हैं, आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे पूछना मेरा फर्ज बनता है। इसी फर्ज के चक्कर में तो तुमने हमारे भरोसे को जीत लिया है। ये लो, हमने साइन कर दिया है। थैंक यू सर। वो सब क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? जी सर, वो सोहेल वो इस दुनिया में नहीं रहा? जी नहीं, उसे होश आ गया है। उसे होश आ गया? मगर ये कैसे हो सकता है? सर अभी अभी खबर मिली है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ अगर उसने कोई हरकत की तो? होश ही आया है ना, बिस्तर से उठने में उसे महीनों लगे, उठ पाएगा तभी कुछ करेगा ना।
मुझे नहीं लगता कि उसकी हालत इतनी जल्दी संभल जाएगी कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा। वो बहुत चालाक आदमी है सर, वो पूरी कोशिश करेगा हमें परेशान करने की। हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। यस सर। हम लोग कितने मजबूर हो गए हैं भाईजान, ना चाहते हुए भी उसे इस घर में रखना पड़ रहा है। क्या करें, निकाल भी तो नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ बड़ी अम्मी, आपके साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं होता है। आपने अपनी जिंदगी में इतने दर्द सहे, कोई कुछ भी कर ले, आपका खोया वक्त कोई लौटा नहीं सकता। जो बातें बीत गई हो और तकलीफ दे, उसे दोहराने से क्या फायदा। मैं बीती बातों को याद करना नहीं चाहती। आप ठीक कह रही हैं, आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अब्बू के साथ कोई गलत हादसा पेश आया होगा, वरना वो इतने दिनों तक अपने घर से दूर नहीं रह सकते। मैं तो खुद उनके लिए परेशान हूँ, मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ बड़े अब्बू कोई ना कोई बहाना करके मुझे रोक लेता है। बेटा, वो तुम्हारे अब्बू है, जो भी करना है तुम्हें करना है। पता लगाओ वो कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें किसी तरह ढूंढो। मैं फिर से सऊदी कॉन्सुलेट फोन करता हूँ और उनसे पूरी डिटेल ले लेता हूँ। बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं। बड़ी अम्मी, जरूरत पड़े तो मैं वहां जाऊंगा और अब्बू को अपने साथ ले आऊंगा। बस आप सिर्फ दुआ कीजिए। हमें उसकी मजबूरी को तमाशा बनने से रोकना होगा। आप जानती हैं उसके अगेंस्ट में कौन है? जो भी है, खुदा तो नहीं। और अगर वो खुदा नहीं है तो हमें किसी से कोई डर नहीं है। अम्मी, आप इस मैटर को लेकर इतनी सीरियस क्यों हैं? क्योंकि ये मैटर सच और झूठ की लड़ाई है और हमारे लिए ये एक चैलेंज है और हम उसे हारने नहीं देंगे।
चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हेलो। हाय। हाय। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कम से कम मेरा दिल रखने के लिए ये तो कह सकती हो कि तुम मुझे याद कर रही थी। मुझे बटर पॉलिश करने की आदत नहीं है। इसका मतलब मैं इडियट हूँ जो तुमसे फोन करके बात कर रहा हूँ, हाँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारा मतलब तो वही था। इंटेलिजेंट हो? ज़ुबैदा मैं सोच रहा था कि हम अपना ऑफिस टाइम 10 to 10 कर लें तो। अच्छा जी, वैसे आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। ज़ुबैदा मैं सोच रहा था कि हम एक लंबी ड्राइव के लिए चलें तो। अभी? इम्पॉसिबल। ज़ुबैदा कभी तो मेरा दिल रख लिया करो। वक्त आने दीजिए हुजूर। हाय, कब आएगा वो वक्त। कल ऑफिस में ज़ुबैदा का आखिरी दिन होगा। लेकिन अम्मी। बस मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। ताहा, कोई खास बात है? अगर इस वक्त अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं ज़ुबैदा, बात सीरियस है, कहना ज़रूरी है। कहो ना। कल हमने जो जो बातें फ़ोन पे की थी वो सारी बातें अम्मी ने सुन ली है। फ़ोन भी अम्मी ने डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर? तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कहा है। क्या?